Shyam Shyam Bhardwaj, and I am an assistant professor in Maheshwari Girls PG College from Commerce Department. Today I am bringing this video for you all, for the betterment of your life. A student life is very important, but we don't pay much attention towards a betterment of a student life. So our topics in this video will be largely for the topics regarding the how to better a student life and what are the problems and challenges that a student face in their regular life to achieve their goals. So our today's topic is what is better yourself. Better yourself is nothing but how to improve yourself day by day. Each and every moment aap apne aap ko kaise improve karoge, that is we all going to know. Improvement बहुत तरह से हो सकता है एक स्टूडेंट की लाइफ में. एक स्टूडेंट की लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन देयर लाइफ नो वन कैन ग्रो एंड नो वन कैन अचीव देयर गोल्स वॉट एवर दे हैव थॉट टू अचीव इन देयर लाइफ. सो वेरी क्रूशियल फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, बेटर योर सेल्फ रिगार्डिंग द स्टूडेंट लाइफ. एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स कभी अटेंशन इन पे नहीं करते हैं. सो ऐसे एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं अगर हम बात करें लार्जली, तो स्टूडेंट की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं उनकी लाइफ रिलेटेड चैलेंजेस एंड देयर करियर रिलेटेड चैलेंजेस. व्हाट आर द लाइफ रिलेटेड चैलेंजेस एंड व्हाट आर देयर करियर रिलेटेड चैलेंजेस वी विल बी डिस्कसिंग इन दीज सेशंस ऑफ वीडियोस लेटर ऑन. बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम ब्रीफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज वीडियोस. ओके, सो life and career perspective of student's life. So mainly I have categorized the career and life perspectives first of all in the financial aspects, because I am from commerce department and I really want to explore the commercial, the commerce perspective of the life, right? What are the financial aspects? Because as we are being student, we usually ignore the financial aspects, the investment scenarios. Hamari habit jo ek hoti hai expenses को मैनेज करने की, बजट बनाने की एंड हाउ टू स्पेंड और अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं, अपने जो एक्सपेंसेस हैं, उनको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं. और इसी की वजह से जब हम अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इतना इग्नोर करते हैं तो हम अपनी लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टर्म्स को ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं ले पाते हैं. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जिनको लगती है, ऐसे चैलेंजेस क्या हैं. सो द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज द करियर प्रस्पेक्टिव. व्हाट अ करियर प्रस्पेक्टिव मीन्स, करियर प्रस्पेक्टिव मीन्स स्टूडेंट्स गेट इनरोल्ड इन वेरियस कोर्सेज दीज डेज इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कैंपसेस, बट दे डोंट इवन नो दैट व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस कोर्स. यूजुअली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स डूइंग द कोर्सेज, दैट्स व्हाई दे इनरोल देमसेल्फ, but they don't even know that what is the importance of these courses, of learning these courses in their life and how these courses will be going to help to them, will be going to help to them in their future career perspective. So in the next coming videos we will be discussing about the various career perspectives and counseling, kyunki kafi sare courses aise hote hain jinke bare mein hum kar to lete hain, jinke bare mein course तो कर लेते हैं, इनरोल करवा लेते हैं, बट आगे उन कोर्सेज को कैसे एक्सपैंड करना है और कैसे उनके साथ अपने करियर को हाइट देनी है, वी नेवर नो. सो इन कमिंग वीडियोस ऑफ सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्सेज को लेकर हम उनके बारे में वीडियोस बनाएंगे कि कौन कौन से अवेलेबल स्कोप्स हैं और किन किन अप्रोचेस को लेकर हम आगे अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं. सो टुडे आज हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट आर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स? एक स्टूडेंट की लाइफ में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ही मैटर करता है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन देयर पेरेंटल रूल. अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, बट फिर भी दूसरी जगह अगर अपन बात करके देखें तो उनके उतने ही एक्सपेंसेस होते हैं जो उनको बेयर करने होते हैं रिगार्डिंग देयर स्टडी मटीरियल, देयर एनरोलमेंट फीस, देयर फूड एक्सपेंसेस ऑफ फूड एंड दी अदर एसेंशियल थिंग्स. बट what actually is this need to consider that why this there is no habit of students to inculcate the habit of savings and investments. So aaj hum yahi baat karne wale hain ki kaise ki student ki life mein investment and savings ki importance ko samjha jaye
और ताकि एक बीइंग एट दिस लेवल अपन एक इन्वेस्टमेंट को ब्रॉड परस्पेक्टिव पे समझकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें. बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन वी फर्स्ट नीड टू नो द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट लाइफ. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत मैटर करता है, बट क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट यूजुअली फेस करते हैं व्हाइल डीलिंग विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द चैलेंजेस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ. फर्स्ट द बीइंग अनअवेयर ऑफ फाइनेंशियल एड्स. बीइंग अनअवेयर मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल by the government of your country. But even that, we never know that what are the policies and what are the programs are available for the financial aid for the students. Because being a student, we really need to know that what are the opportunities and the facilities available to us. So, उसी के बारे में आज हम discuss करेंगे कि क्या ऐसे scholarship programs हैं जिसको हमको अपडेटेड रहना चाहिए जिनके साथ, सो दैट हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें और हमारे एक इन्वेस्टमेंट और एक सेविंग्स हैबिट को इनकल्केट कर सकें. सेकेंड थिंग इज द नॉट क्रिएटिंग अ बेसिक बजट. बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को जब बजट असाइन करते हैं, जब उनको पॉकेट मनी देते हैं बिकॉज वी दे आर नोवेयर द अर्निंग पर्सन, जब उनको बजट असाइन किया जाता है बट दे ऑलवेज थिंक अबाउट द एक्सपेंसेस. They don't even make a budget. So planning for expenses is very crucial for a student life. Because planning करने का मतलब ये है कि we already know कि in what segments we are going to expend and how we are going to save our income. So अगर हम save करने की, अगर हम expenses पे अगर हम focus करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे expenses हो रहे हैं, तो definitely focus ये भी कर पाएंगे कि कहाँ हम उन expenses को adjust कर सकते हैं और अपनी savings को improve कर सकते हैं. The next one is being impartial to needs and wants. There are very broad terms that needs and wants. Most of the students, apart from the commerce field, they don't even know, they don't differentiate between the needs and wants. So we need to understand that what is actual needs and what is our wants. First, we understand both of the terms. Because kuch required jo cheez hoti hai, unke upar expenses karna, and the other hand, jo cheeze hum chahte hain, the desirous things, अगर हम उन पर एक्सपेंसिस करते हैं तो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम एंड उन दोनों के बारे में समझ कर हम कैसे अपने एक्सपेंसिस को एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड मिसयूज. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर ओन क्रेडिट कार्ड्स. सम ऑफ दैम पेरेंट्स हैव असाइंड टू दैम सम ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. क्रेडिट कार्ड्स आर एसेंशियली फॉर मेकिंग योर एक्सपेंसिस व्हेनेवर यू डोंट हैव इनफ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. बट मिसयूज ऑफ क्रेडिट कार्ड इज वेरी क्रूशियल क्योंकि जब आपकी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इवन देन यू आर एक्सपेंडिंग, इट मीन्स यू आर लिमिटलेस. और इन बातों का ध्यान नहीं रखते हुए जब स्टूडेंट एक्सपेंसेस करते हैं तो दे गो बियॉन्ड द लिमिट्स. तो हमको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता होना चाहिए और कैसे उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपर्टीज के साथ यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन गेट द ऑप्टिमल बेनिफिट आउट ऑफ इट. द नेक्स्ट थिंग इज नो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग. यस वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्लान फॉर आवर फ्यूचर, for our career, for our life, but we don't pay attention to our financial planning. What and how we are going to invest money, how we are going to earn money, how we are going to spend our money. These are the some very important things. So definitely we are going to consider these points in our next videos. Once we have discussed all the related problems regarding with the students' financial problems, challenges in their life, ab hum baat karne ja rahe hain, what are the solutions that we can consider in just doing and bettering our life regarding financial aspects. So, ऐसे कौन कौन सी solutions हैं, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको पे discuss करके और जिनके बारे में जानकर हम definitely एक अच्छा एक financial future अपने लिए तैयार कर सकते हैं. First of all, start getting aware of student scholarship program. आप एक student हैं, आपकी life में सबसे बड़ा जो opportunity है आपकी life में, सबसे ज़्यादा जो आप अवेयर कर सकते हो वो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम. क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास होता है कि दे कांट अफोर्ड देयर स्टडी कोर्सेज एंड वेरी मेनियस थिंग्स, बट गवर्नमेंट हैव कंसीडर्ड लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स. बट यूजुअली स्टूडेंट्स के पास इनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जिसकी वजह से दे आर गेटिंग अनअवेयर अबाउट दिस. तो सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जितने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं
by the government and the national level or international level, we should be getting aware of them. And I will be giving you information regarding these scholarship programs so that you can get the maximum advantage out of it. Next is the preparation of personal budget. This is ये बात करने में बहुत ही छोटी चीज़ लगती है कि पर्सनल बजट कौन तैयार करता है, बट अगर हम ये वाली हैबिट इनकलकेट करते हैं अपनी लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में अभी से ही, तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग वर्थ अ लॉट, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में एक बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. स्टूडेंट्स यूजली स्पेंड करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, लेकिन अगर हम एक पर्सनल बजट बना के कि क्या हमारे एक्सपेंसेस रहने वाले हैं थ्रू आउट द मंथ, सो दैट अगर हमको एक्सपेंसेस पता होंगे तो वी कैन टेक डिसीजंस वेरी कॉन्शियसली, और जहाँ पर हमने कॉन्शियस डिसीजंस लिए तो वहाँ पर हमारी सेविंग्स भी अल्टीमेटली इंक्रीज होने लग जाएंगे. नेक्स्ट इज इनकल्केटिंग द सेविंग हैबिट्स. सेविंग हैबिट्स हमने यूजुअली अपने घर में भी सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि सेविंग हैबिट्स इनकल्केट करना बहुत ही ज़रूरी है, बट एक स्टूडेंट की लाइफ में सेविंग की हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट ऑन दी अदर हैंड यूजुअली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट एक ऐसा बींग है जिसके पास सेविंग्स कभी नहीं होती है, वो इसलिए बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस इन देयर लाइफ रिगार्डिंग देयर स्टडी, रिगार्डिंग देयर एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल. सो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू स्टॉप दिस एक्सपेंसेस बिकॉज दे आर वेरी क्रूशियल. लेकिन अगर हम बहुत ही सर्टेनली और बहुत ही माइंडफुल तरीके से इनको एडजस्ट करना सीख जाएं और इन पे थोड़ा सा वर्क ऑन करना सीखें, तभी हम अपनी सेविंग्स की हैबिट को इंकल्केट करेंगे. और अगर सेविंग्स की हैबिट अब में इंकल्केट हुई तो डेफिनेटली हम उन सेविंग्स को कहीं ना कहीं बहुत ही वर्थफुल जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे और हम अपनी मनी खुद बना पाएंगे. नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेविंग्स हैबिट इनकल्केट करने के बाद क्या क्या इसका रेजोल्यूशन है, क्या रेलेवेंस है, क्योंकि सेविंग हैबिट्स को यही होता है कि जितनी हमने सेविंग्स कर ली है उसके बाद यही होता है कि काम पड़ने पे वापस वो सेविंग्स काम आ जाती है. बट हमको कुछ ऐसा पार्ट रखना ज़रूरी है अपने एक्सपेंसेस का, अपने पूरे बजट में से, जो कि हम बिल्कुल अनटच्ड रहें और हम उनको अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकें. There are lots of investment platforms available, international and national level. अगर हमें उन सभी national platforms और international platforms के बारे में अच्छे से knowledge है तो हम definitely वहाँ पर अपनी savings को mobilize कर सकते हैं और वहाँ से easy और better way में अपना पैसा बना सकते हैं. So पैसा बनाने की technique हम definitely we are going to work on this. पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. हम स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लेते हैं रिगार्डिंग अवर कोर्सेज एंड एजुकेशन एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं हम बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को भूल जाते हैं जो कि है हाउ टू मेक मनी, बिकॉज अल्टीमेटली इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डू दिस. सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट टुडे एंड नाउ. सो एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड, और क्या क्या सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जो जिनको अपना कर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है. तो आज इस वीडियो को मैं एंड करूँगी बाय जस्ट टेलिंग यू अबाउट अ ब्रीफ अबाउट द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं हमारी कंट्री में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ की जो जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करके हमारी मनी को की वेल्थ बढ़ा सकते हैं, हमारी वेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की सिक्योरिटीज लाइक वेदर शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दे आर ट्रेडेड. अब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा पता होता है कि हु आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स दे आर डोंट इवन नो कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है एंड हाउ टू यूज देम यूज द स्टॉक एक्सचेंज इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. तो स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करके उनको मल्टीपल सोर्सेज में इन्वेस्ट करके अपने मनी के लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं. तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक्सचेंज के अलावा, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज दे ऑलवेज गेट देमसेल्फ बैकवर्ड कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं,
But nowadays, mutual fund is a concept which is really emerging these days. म्यूचुअल फंड जो होता है एक आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको किसी भी तरह की टेंशन की जरूरत नहीं होती रिगार्डिंग हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कितना करना है एंड व्हाट आर दी प्रस्पेक्टिव रिस्क रिलेटेड टू दिस. सो म्यूचुअल फंड के बारे में हम आगे भी अपने नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे. बट फॉर दिस फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड एनीथिंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट क्वेरीज you can write down in the comment box so that I can make the next video accordingly. Thank you so much.